राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी का कार्यकाल अगस्त माह में समाप्त हो रहा था, जिसको प्रदेश सरकार ने एक साल के लिए बढ़ा दिया है। निर्मला द्विवेदी के कार्यकाल को बढ़ाए जाने पर महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अमिता गुप्ता, महामंत्री अर्चना सिंह सहित महिला पदाधिकारियों ने माला पहनाकर उनका सम्मान किया। इस संबंध में राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी, साथ ही महिलाओं के हित के लिए कार्य करती रहूंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने कहा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अपनी सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, आभार ज्ञापित करती हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने हमें एक बार फिर सेवा का मौका दिया है। और हमने अभी आज तक जितनी भी जिम्मेदारियाँ हमें दी गई थी, हमें आदेश जो दिया गया था, हमने अक्षरशः उसका पालन किया है। और हम अपने मुख्यमंत्री जी को और पूरे उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश की बहनों को, सबको हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमें जो भी जिम्मेदारी मिली है ईमानदारी से उसका पालन करेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक काम करेंगे। वो कहा गया है कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, तो महिलाओं के लिए हम शुरू से करते आए हैं, 30 वर्ष हो गया हम महिलाओं के लिए समाज में काम करते हैं, तो हम आगे भी करते रहेंगे, ऐसा हमारा आपसे वादा है। और हम आप सबसे वादा करते हैं कि हमें जो जिम्मेदारी मिली है पूरी ईमानदारी से इसका पालन करेंगे। मैडम, आप एक महिला हैं, महिलाओं की समाज बढ़ गई है, पहले क्या किस तरीके से उसको लेकर? देखिए, पहले से तो बहुत ही अच्छा है। पहले तो समझिए रोज़ शिकायत आती थी, कैसे उन शब्दों का प्रयोग करें, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन महिलाओं के साथ बहुत ही गंदी मतलब हम क्या कहें, एक से एक बुज़ुर्ग बड़े बड़े संगठन के मुखिया कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है, जान के गलती करते थे लड़के। और उनके संगठन के मुखिया कहते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, कि लड़कों से गलती हो जाती है। तो जहाँ जिस घर का मुखिया ऐसा कहता था उस घर का नेता जिम्मेदार था, उस घर का मुख्यमंत्री ऐसा, जिसके घर की सोच ऐसी थी, वो देश चला रहा था। तो हर घर में रोज़ पता चला इस घर में बहन लटकी हुई है, उस घर में कोई लड़की मर गई है, उस शहर में गड्ढे हैं। आपको पता है, आप सबसे ज़्यादा जानते हैं कि शहर की पहले क्या हालत थी और आज क्या हालत है। आज सभी बहन सुरक्षित हैं और पूरा शहर, ये गोरखपुर नहीं पूरा यूपी धन्य है योगी जी को पाके। और आज भी 2022 में योगी जी ही आने वाले हैं, हम सभी आज ही से अग्रिम बधाई देकर उनका स्वागत करते हैं। मैडम,